2 लाख रुपए का एग्जॉस्ट है गाइस, चेक कर लो यार। सब गाइस क्या हाल है सबके, आई होप गाइस सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहने चाहिए भाई। थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि हाईवे पे हूँ। अब पता नहीं मेरी आवाज़ पूरी आपको आ रही है कि नहीं। एक्चुअली मैंने अभी जानू की हेलमेट पहनी हुई है, मेरी हेलमेट मैंने उसी के घर पे छोड़ दी है। अभी का ये सीन है, अभी हम जा रहे थे पिट स्टॉप, जानू आ रहा है गाड़ी में क्योंकि भाई आज संडे है। संडे आपको पता ही है क्या होता है जम्मू के सिद्रा हाईवे पे। भाई मेरे साथ अभी भी एक सीन हो गया था ऑलमोस्ट, मैंने अपनी बाइक यहाँ पे लगाई हुई है, मेरे आस पास मतलब इतने बाइकर्स गए, पीछे से जिप्सी इतनी सारी जा रही थी ना भाई, बड़ा मजा आ रहा था देखने में। तो मैंने सोचा कि मैं क्योंकि 2 मिनट अगर वेट ही करना है जानू का क्योंकि वो पीछे रह गया, तो यहाँ पे रुक जाता हूँ, कोई ना कोई तो मतलब सीन यहाँ पे दिखा ही दो अगर कोई हो जाए तो। वेट करते हैं, बाकी अब मेरे को नहीं लगता कि इस टाइम यहाँ पे कोई घूमेगा क्योंकि यहाँ पे तो सिर्वाए मेरे अभी कोई भी नहीं होगा। जानू और अभी आ रहे हैं पीछे, वेट कर रहा था उनका। आज का सीन बस यही होगा, नॉर्मल सी राइड है। जानू ने अपनी ZX10R जो वहाँ पे लगाई हुई है पिट स्टॉप पे, वो वहाँ से लानी है, घर लेके जानी है। वहाँ पे सुबह लेके गया था, वहाँ पे लगा दी थी, आई डोंट नो उसने क्या काम करवाना था उसमें या क्या था, बट अभी का सीन ये है मैंने उसके साथ ही था। बट वहाँ पे हमारा एक और फ्रेंड मिल गया था जो बिलावर से रहता है, तो जानू ने उसके साथ कहा कि मैं गाड़ी में आता हूँ तो बाइक पे चल साथ साथ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोई बात नहीं, हम बाइक पे चलते हैं, मेरे को आगे भी काम है थोड़ा, कोई नहीं जैसे ही आता है वैसे हम साथ में आगे के चलेंगे। आज का सीन भाई बड़ा खतरनाक होने वाला, बट मेरे साथ एक गलती होगी यार, मेरे यहाँ पे ना मैं तो फ़ोन वाला ब्लॉगिंग करता हूँ ना, मेरे फ़ोन के साथ तो हुआ क्या, मेरे इसमें सेटअप नहीं लगा हुआ, जो आगे वो माउंट होता है ना जिससे फ़ोन पकड़ते हैं, वो नहीं लगा हुआ इस पर। चलो कोई बात नहीं, आज नॉर्मल सी ब्लॉग होगी। वहाँ पिट स्टॉप पहुँचूंगा, पिट स्टॉप ही आपको जाके सारा अपडेट दूंगी वहाँ पे क्या होगा और वहाँ पे हमने आगे क्या करना है। मिलता हूँ आप सबको गाइस आगे। फाइनली पहुंच चुके थे हम पिट स्टॉप, पिट स्टॉप पे आ गए, जानू भी आ गए, ये हमारे साथ आए हैं हमारे एक लवे भैया, ये भी हमारे भैया जी आ गए हैं बहुत देर बाद इनसे हमें मिले। क्या हाल है भैया जी, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया है, सब बढ़िया ही रहना चाहिए। तो गाइस इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया आज, वो पल्सर वाले के साथ क्या हुआ इनको बताओ यार, आज पुलिस उठा भाई ऐसे ऐसे कट मार रहे पुलिस वालों के आगे, भाई उन्होंने तो पकड़ना ही है, उन्होंने भी बोलना आजा बेटा, तो कोई तो शिकार चाहिए उनको आज के दिन। तो गाइस ये रही बाकी सब बातें छोड़ के, ये बात करते हैं हम हेडशॉट की। ये रही हमारी हेडशॉट जो जानू की बाइक है ZX10R बाइक पे। अब मेरे को पता चला इसने करवाया क्या, इसने एक्चुअली करवाना क्या था, रेडिएटर ग्रिल जो होती है ना जो अंदर होती है इसके, ये देखो ये वाली जो ग्रिल होती है अंदर ब्लैक कलर की आपको दिख रही होगी, इसने ये पार्ट डलवाना था। और यही पार्ट काफ़ी, अगर आपको पता हो तो ये पार्ट काफ़ी महंगा आता है। गाइस यार इसमें रेडिएटर ग्रिल डलवानी थी, जानू ने वो डलवा दी है, जानू अंदर गया बिलिंग करवाने, अभी बाइक चेक करेंगे प्रॉपर सब ठीक है कि नहीं है, बाकी आप लुक चेक कर लो यार। और हाँ गाइस इसने डलवा लिया था एरो का एग्जॉस्ट, 2 लाख रुपए का एग्जॉस्ट है गाइस, चेक कर लो यार, एरो का एग्जॉस्ट है। और ये जो है पार्ट, ये सिर्फ ये पार्ट ही कार्बन फाइबर का पार्ट है और ये काफ़ी महंगा कॉस्टली, आपको कार्बन फाइबर पता ही है कितना हल्का होता है कितना महंगा होता है, भाई सच्ची बोल रहा हूँ, महंगी बातचीत था ये, इससे थोड़ा पीछे ही रहे। बाकी चलो आगे की देखते हैं सीन आगे का क्या है, मिलता हूँ आप सबको आगे। 2000 years later गाइस अभी बस बाइक शुरू होने वाली है, यहाँ से निकलने वाले हैं सब अब घर की तरफ। चलो यार बाइक की साउंड सुनाता हूँ आप सबको यार, इतनी देर बाद मैंने खुद बाइक की साउंड सुन ली है, और वो भी नॉर्मल बाइक की साउंड नहीं होगी यार, ये होगी एरो एग्जॉस्ट लगा हुआ जिसमें ओ भाई 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 आवाज सुन रहे हो, बेस चेक करो यार, चेक करो यार, भाई सुन रहे हो आवाज, इसका कोई मुकाबला नहीं भाई, इसका कोई मुकाबला नहीं भाई, क्या बात है। फ्लाई बाय की बात सुनना चाहते हो भाई, चेक करो गियर शिफ्टिंग की आवाज सुनी गाइस, ओ भाई कावासाकी, इसे कहते हैं कावासाकी यार। तो भाई अपनी तो भाई नॉर्मल वो लगी है, वहां पे हम निकलते हैं यार अभी यहाँ से, एक्चुअली मैंने अपने शूज वगैरह लेने जाना है, शूज वगैरह लेता हूँ फिर वहां से चलते हैं सीधे जानू के घर। तो गाइस अभी का सीन ये है, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ सिटी, जानू चला गया घर की तरफ अपने, यहाँ से अब सीधे मैं जाऊंगा सिटी, सिटी पैलेस एक वहाँ की जगह है, वहाँ पे शूज वगैरह लेने हैं मैंने, मेरे लिए अभी शूज नहीं है एक्चुअली, मैं काफी देर से शूज लेने की सोच रहा था, तो अब जानू की बहन की शादी है तो क्यों ना मैं उस शादी का फायदा ही उठाऊं, अपने लिए शूज ले लूं, घर वालों को बोल के कि भाई शादी है शादी में शूज तो पहनना ही है ना। भाई क्या करें, छोटे मोटे यूट्यूबर भी नहीं है अभी तो, अब मतलब नाम ही नहीं हमारा यूट्यूब में, जो भी है किसी दिन ना किसी दिन आ ही जाएगा अगर आना होगा तो।
चलता हूँ अब मैं यहाँ से सिटी, मिलूंगा किसी नए ब्लॉग में, करता हूँ यहाँ पे अपना ब्लॉग एंड। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ सक्षम मोटर ब्लॉग्स, बाय बाय।